का सफ़र में और आज मैं आई हूँ एलियंस टैटू शॉप में, क्योंकि ये आपने बोर्ड भी देखी क्योंकि बहुत सालों से मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि मैं एक टैटू बनवाऊँ और कुछ इस रिचुअल टाइप का बनाऊँ। अभी मैं उसको आपको नहीं बताऊँगी मैं क्या सोची हूँ, कौन सा टैटू बनवाऊँगी। तो सोचा आज क्यों ना शॉप जाऊँ और उसे एक क्वेरी कर लूँ, क्वेश्चन कर लूँ जो मेरे दिमाग में कंटिन्यू चल रहे हैं कि मुझे कैसे टैटू बनवाना है, कहाँ बनवाना है और सबसे बड़ी बात सेफ्टी देखना है, क्योंकि आपको पता है नीडल्स उसमें यूज़ होते हैं, इंक ही यूज़ होते हैं। तो जो सबसे बेस्ट अभी तक हमने जो सर्च किया उसमें सबसे बेस्ट हमको पता चला एलियंस टैटू है, जो शॉप है ये बहुत ही अच्छा है, ये शॉप बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग भी आते हैं टैटू करवाने के लिए। तो आइए देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन आंसर जो हम मन में चल रहे हैं उसे हम दूर कर पाते हैं कि नहीं और क्या सोचते हैं आगे टैटू के लिए। बस यही दो ही ये आपका नाम सर? शांतनु। अच्छा शांतनु का ये पूछ रहा था कि कुछ डिज़ाइन भी आप करवा सकते हैं क्या अगर चाहिए तो? हाँ, कर सकते हैं। लाइक इनके माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। लाइक जितना आप अच्छे से उसका ध्यान रखोगे सब उनका तो वो अच्छा आगे जाके आपको अच्छा तो उसके लिए क्या क्या मतलब करवाना है क्या? सिर्फ आपको अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है, नॉनवेज नहीं खाना है, वो एक्सरसाइज नहीं करना है, सी वाटर में नहीं जाना है या फिर स्विमिंग वाटर में नहीं जाना है और सनलाइट से बचना है। सेवन डेज पैक रहता है, सेवन डेज के बाद आप मॉइस्चराइजिंग चालू करते हैं। तो उसके बाद साथ ही तक ये सब करना नहीं जो आप बता रहे हैं? नहीं, सात दिन। तो ये सात दिन इनिशियल सेवन डेज हम लोग रैप लगाते हैं। इनिशियल सेवन डेज में कैसे वुंड होता है, फ्रेश वुंड होता है, टैटू मतलब एक जख्म, एक जख्म करते हैं आपको, तो वो सेवन डेज में 50-60% हील हो जाता है। फिर उसको हम लोग को रैप, एक रैप लगाते हैं हम लोग उसके ऊपर स्टिकर है उनसे स्विंग होना, तो उसके बाद आपका पार्ट चालू, उसके बाद आपको ये एक महीने के लिए फॉलो करना है। सब नॉनवेज हो गया, नॉनवेज
का 15 दिन भी कंट्रोल करते हैं। वैसे भी नॉनवेज तो हम लोग खाते नहीं, तो वो तो इशू है नहीं, तो कॉल भी नहीं है, स्मोकिंग भी नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड के साथ आया था इधर है ना, बट वो इधर इधर कुछ सोच रहा था, फिर आदमी बोलता है इधर ही बनवाऊंगा मैं, तो उसका डिजाइन आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट है। हाँ मंत्र बहुत अच्छा है, हम लोगों ने किया है वैसे, पर वो कंप्लीटली पैक था, मतलब उनका बहुत बड़ा एक मंत्र था, तो हम लोगों ने मंत्र वैसे ही ट्रैप कर दिया, पैक था। आप जैसे पूरा ऐसे थोड़ा स्पेसिंग ऐसा पूरा एक साइड ऐसे निकाल दिया जाता है, उस ट्रिगर को भी नहीं आएगा, वो इतना बड़ा मंत्र है ना, वो आता है उसको बिल्कुल एकदम चिपका के मजा नहीं आएगा ना, वो मेरा रैप है। आपको स्पाइरल कस्टम हैंड ऑन करेंगे ना, बहुत मजा आएगा। हमारे पास जैसे आर्टिस्ट भी है ना, ये अगर आप देखोगे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मोहम्मद अली हो गया, एवरीवन आप कब प्लान करेंगे? प्लान इनका तो इमीडिएटली कर देंगे, मुझे थोड़ा टाइम इनका भी आज नहीं करते, नहीं आज नहीं, बेसिकली अभी तो डिज़ाइन करना पड़ेगा और अभी ओबियसली आपका क्लोजिंग का टाइम हो जाएगा। तो हमारे जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो सब सॉल्व हो गए हैं, जो वहाँ के भैया थे उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोग को सारे आंसर दिए, मैंने सारे क्वेश्चन पूछे। शांतनु को मेंशन करो, शांतनु नाम है उनका, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बैठ के हमें समझाया और मैं बहुत सेटिस्फाइड भी हूँ, और अब मुझे बस डिसीजन लेना है कि मैं कब गोदना गोदाऊँ।
क्या नहीं टैटू कर रहा हूँ वो भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी और आपसे जरूर शेयर करूंगी। और टैटू की इंक्वायरी के बाद हम निकल चले अंधेरी मार्केट की ओर। मैंने सोचा कि ना अंधेरी का स्ट्रीट मार्केट भी मैं आप लोगों को दिखा दूं और कुछ शॉपिंग भी कर लूं, मुझे कुछ चीज़ें लेनी भी थी, तो प्लीज़ मेरे साथ आप बने रहिएगा। तो हम लोग अंधेरी पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ के स्ट्रीट मार्केट में हम जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं। मैं आप लोगों के लिए कितने धचके खा के मुंबई की ट्रैफिक को झेल के कंटेंट ला रही हूँ। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आ गए अंधेरी के लोखंड वाला मार्केट में, जो बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो मैंने सोचा चलते चलते क्यों ना मैं ये भी शूट कर लूँ और आपसे शेयर करूँ, तो आप देख पाएंगे लोखंड वाला मार्केट कैसा है। यहाँ पे मोस्टली सब शॉप है और उस शॉप में कपड़े ज्वेलरी ये सब मिलती है। ये स्ट्रीट मार्केट नहीं है, शॉप वाले मार्केट है। यहाँ सब आप देख सकते हैं दोनों साइड में शॉप बनी हुई है। शॉप है सारी, प्राइस यहाँ पे आपको हाई मिलेगा, यहाँ कुछ चीप नहीं मिलने वाला। सूट्स के भी प्राइस टंगे हुए हैं 1000। हाँ वैरायटी यहाँ भर भर के मिलेगी ना। तो हम अभी खड़े हैं लोखंड वाला मार्केट में। यहाँ पे सारी शॉप है, वहाँ पे आपको हर वैरायटी के कपड़े शूज सब मिलेंगे, लड़कियों के तो भर भर के मिलेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ ऑप्शन ज़्यादा है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप में कैपेसिटी है तो आप आइए और शॉपिंग कीजिए लोखंड वाला में। और थकान लग रही थी तो हमने सोचा एक कॉफ़ी हो जाए, तो मैगी में हम रुके हुए हैं कॉफ़ी पीने के लिए। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगी लोखंड वाला का कि बहुत फेमस है सब है, बट मुझे यहाँ की मार्केटिंग नहीं जमती है। ये मेरा पर्सनल है, मुझे नहीं पता बाकी लोगों का, बट मुझे यहाँ की मार्केटिंग नहीं जमती है। शॉप में जा के आप डिस्काउंट करवाइए, वो माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, मतलब वही आप में कैपेसिटी तो आप ले सकते हैं यहाँ, बट मुझ में नहीं है, मैं इतना कम नहीं करवा पाती हूँ, तो मैं यहाँ ठगी जाऊँगी बुरी तरीके से, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ शॉपिंग नहीं कर रही हूँ। कॉफी टाइम, कॉफी। हम लोग मैगी की कॉफ़ी पी रहे हैं, यही लोखंड वाला मार्केट में मैगी दी गया हम लोगों को। और इतनी गर्मी भी है तो मैं कोल्ड कॉफ़ी पी रही हूँ, बस मेरे थोड़ी अभी गले में छाले वगैरह भी आ गए हैं, तबीयत थोड़ी नदारद थी इसी कारण। देखिए आइस कॉफ़ी, वैसे यहाँ लोखंड वाला में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं शॉपिंग करने के लिए। नो डाउट कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है यहाँ की, देखने ही लग रहा है वो। आप भी कभी आइए अगर आप आते हैं यहाँ शॉपिंग करने के लिए तो।
देखिए आप लोखंड वाला मार्केट में कितनी सारी शॉप बनी हुई है शॉपिंग के लिए, और लोग भर भर के आते हैं, ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। और हम यहाँ से अब देखिए निकल के जा रहे हैं अंधेरी स्ट्रीट मार्केट की ओर, देखते हैं वहाँ हम आपसे क्या कुछ शेयर कर पाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। करीब 9:45 बोल दीजिए आप, और इतने टाइम वहाँ का मार्केट बंद हो जाता है, अंधेरी का स्ट्रीट मार्केट, तो हो गया पचका। अब सोच रहे हैं कि अगली बार हम फिर आएंगे तो ट्राई करेंगे जल्दी आए और आप तक अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें शॉपिंग का, क्योंकि मुझे बहुत लोग डिमांड किए कि आप प्लीज़ शॉपिंग की वीडियो बनाइए मुंबई के, तो उनके लिए खास तौर पर। ये देखिए मुझे घर लौटते वक्त श्रीदेवी रेस्टोरेंट दिखा तो मैंने सूट कर लिया, गजब फ्रेंड कॉल भी है उनकी भी। तो हम पहुंच गए हैं घर और मेरी हालत आप देखिए, कितना उजड़े चमन लग रही हूँ मैं पूरी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय।